सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल बटन दबाएं हमारे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, फिर से हाजिर हूं एक ख़ास खबर के साथ। आगे बढ़ने से पहले हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, शक्तिमान यानी मुकेश खन्ना साहब दरभंगा आए, तो ये सब आप इससे पहले वाली वीडियो में देख चुके हैं। बस इसमें वो चीज़ मैंने डाला है, जो वीडियो, जो कुछ क्लिप्स रह गई थी बाकी, जो ज़्यादा लंबा होने के कारण इससे पहली वीडियो में मैंने देना सही नहीं समझा। तो इस छोटे से वीडियो को कम से कम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा एंजॉय कर सकेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसमें एक चीज़ और आप देखेंगे कि एक लड़की जो आँख बंद करके भी है ना कुछ बता सकती है, कुछ पढ़ सकती है, किस कलर से लिखा है। बाय द वे, अगर उसको दिया जाए विजिटिंग कार्ड या एटीएम कार्ड, आधार कार्ड, कुछ भी, तो वो बताएगी कि किस कलर से लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, नंबर वगैरह सब कुछ। तो इस स्कूल में ये चीज़ प्रोवाइड की जाती है। अभी इनको ये दिया गया है, ये बच्चों के लिए फेंक रहे हैं। बच्चे कोई भी। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक ऐसा एक्टिविटी भी हुआ है जो आपको अच्छा लगेगा, जैसे ये अभी मोमबत्ती जलाने वाला, लेकिन मैं उस एक्टिविटी की बात कर रहा हूँ जो बच्चे के आँख पे पट्टी बांध करके एटीएम कार्ड, विजिटिंग कार्ड या कोई भी कार्ड की आइडेंटिफिकेशन आँख बंद करके बता सकती है कि क्या है। ये बच्ची बताएगी कि आखिर क्या है, क्या नंबर है, किस कलर से लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ये बताएगी। यानी कि साइंटिफिक एजुकेशन दिया जाता है इस स्कूल में। आई मीन टू से दैट दिया जाएगा इस स्कूल में जिसकी इनॉग्रेशन हुई है। मैं आपके सामने बुला रहा हूँ, बहुत सीरियसली आप रहेंगे, खरा कोई लोग नहीं होंगे, आराम से आप रहेंगे। हमारी टीम आपको दिखा पाएगी कि मिड ब्रेन एक्टिवेटेड होने के बाद क्या रिजल्ट आता है। कोई दिक्कत ना हो, आपके सामने ये बच्ची खड़ी है, बिल्कुल आप हाँ नवनीत जी कहाँ गए? जी सर, एक बार आ जाओ, आप प्ले करो और बिल्कुल आप शांत होकर देखेंगे, दंग रह जाएंगे आप, क्या है कंप्लीट चाइल्ड केयर सॉल्यूशन की ताकत और क्या है ये। और बिल्कुल साइलेंट मोड में, क्योंकि आप थोड़े से भी हल्ला करेंगे तो शायद यहाँ पे ये ठीक से आपके सामने परफॉर्म नहीं हो पाएगा। और आज आपको लाइव दिखाने का मौका दिया है पीयूष जी एंड टीम ने। नवनीत जी आप प्ले करोगे इसमें। गुड इवनिंग सभी को। आंख बंद हो चुका है, अब ये बताएगी विजिटिंग कार्ड है या एटीएम कार्ड है, क्या है ये। आंख बंद करके माइंड को कंसंट्रेट कर रही है अभी, अब बताएंगी। अब कुछ बताने के लिए माइंड कंसंट्रेट हो चुका है। फाइन, अब देखिए ये मिड ब्रेन एक्टिवेटेड चाइल्ड है। अब इसके सामने आप कुछ भी देंगे, ये आंख पे पट्टी बांध करके आपको वो सारी चीज़ें बताएंगी जैसे आप खुली आंखों से बता सकते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगा ऑडियंस में से कोई भी एक एक करके आए, एक दो आदमी आए और आए और अपने पास उनके पास कुछ भी कार्ड हो। एक्सक्यूज मी सर, आए आपके पास कुछ कार्ड हो, एटीएम कुछ भी हो। ओके फाइन, आप सामने कर दीजिए। एटीएम कार्ड ही है, यहाँ रेड और येलो का सर्कल बना है। 09889510 मोबाइल पीटे करके दीजिए। आप लोग साइड हो जाइए ना पीछे। आधार कार्ड है अजय कुमार और महत्व,
जी कुमार महतो दिखावा आधार कार्ड सही है सही है क्या सही है काफी है स्काई ब्लू कलर है और व्हाइट कलर का कार्ड है ब्रेन गेट पे का ही कार्ड है यहाँ से यहाँ रेड से लिखा हुआ है MAA लैंड डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड यहाँ ब्रेन गेट भी लिखा हुआ है सरोज कुमार के लिए और आप लोग अपनी जगह पे चला जाइए दर्ज सॉलिक पर जोरदार ताली बजा दीजिए अपने पास टाइम बहुत कम है और चूंकि सर को लाना है मुझे एक से दो लोगों को दिखाना था अभी आपने देखा आपके सामने किसी का आधार कार्ड किसी का एक बार आप सब लोगों का दोनों हाथ इस बच्ची के लिए जरूर उठना चाहिए किसी का एक बार अगर आप में से किसी के हाथ में प्रॉब्लम हो तो ना उठे तो कोई बात नहीं लेकिन अगर साथ में ये भी कहती है कि हम तो आपको पितामह के रूप में जानते हैं ये बच्चा पागल है आपके लिए शक्तिमान के लिए और बच्चा ऐसे देखना चाहिए और बच्चा अक्सर मेरा कोट पकड़ कर कहता है ए, ए, उड़ के दिखाओ चुप कोई जादू नहीं होता कोई उड़ना नहीं होता सब कंप्यूटर में होता है सब कंप्यूटर में होता है बड़ी खुशी है मैं उन भाग्यशाली बच्चों में हूं आप सब भी उसमें इन्वॉल्व होंगे जिन्होंने अपना बचपन जिया है आज सौगंध का तो गंगा की तरफ से आएगा गंगा चौधरी सारण का सर कट सकता है सूली पर चढ़ सकता है बारूद में फट सकता है मगर झुक नहीं सकता मैं आपको डायलॉग सुनाऊंगा जहां पर आपने देखा होगा कि धृतराष्ट्र ने महाराष्ट्र डायलॉग भरे पड़े महाभारत में नींद से मेरे को अगर उठाओगे ना तो मैं आपको 10 डायलॉग सुना सकता हूँ मेरे बारे में एक जॉनी लिवर साहब ने एक जोक बना दिया था कि मुकेश खन्ना को आयुष्मान भव कहने का बहुत शौक हो गया जिसको भी देखते हैं आयुष्मान भव वहां से किसी ने यहाँ पर टच किया आयुष्मान भव किसी ने यहाँ टच किया आयुष्मान भव उनके घर वाले ये आयुष्मान भव कहने की आदत से बहुत परेशान हो चुके अब एक दिन घर में उनके वहां पर एक मुसलमान दोस्त आया मुसलमान दोस्त उन्होंने दरवाजा खोला बोला आयुष्मान अंदर लेके आए बिठा लिया बातें हुई गप चप हुआ चाय शाय हुई और वो दोस्त उनका चला गया और घर वाले मुकेश के ऊपर चढ़ गए आपको तो मालूम ही नहीं पड़ता जिसके भी देखो आयुष्मान आयुष्मान मुकेश ने कहा भैया मैंने उसे आयुष्मान भव नहीं कहा छोड़ो आपको पता नहीं लगता कि कब आप सुबह चाय देने को उठाते तब आयुष्मान भव अरे उसको क्या मालूम वो मुस्लिम है उसको आपने कहा आयुष्मान भव अरे वो मुस्लिम है उसको क्या मालूम आयुष्मान भव का मतलब मैंने उसको आयुष्मान भव नहीं कहा आपने कहा मतलब मैंने आयुष्मान भव नहीं कहा मैंने उसको कहा उस्मान भाई आओ बिकॉज ये आप हमारे देश के वर्तमान है आप हमारे देश के भविष्य हैं आपके कंधे मजबूत होने चाहिए अगर आपके कंधे मजबूत होंगे तो हमारा देश सुपर पावर बनकर उभरेगा लेकिन माफ करना मोदी जी जब कभी भी ये कहते हैं अपने भाषण में कि भाइयों और बहनों हमारा देश 20 साल के बाद कितने साल के बाद 25 साल के बाद सबसे युवा देश होगा सुना होगा तालियां मारते हम खुश होते हैं सुना आपने भी लेकिन कोई सवाल नहीं उठाता जो मैं उठाना चाहता हूं शक्तिमान बनकर उठाना चाहता हूं कोई ये सवाल पूछता है कि वो युवा जब वहां पहुंचेगा तो कितना शक्तिशाली होगा कितना शक्तिमान होगा दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन डायरेक्ट मिल जाए मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक आप मुस्कुराते रहें